नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर में आर्मी की गाड़ी को एक ट्रक ने मारी टक्कर, गाड़ी में सवार 5 आर्मी के जवान हुए घायल। फिरोजपुर में एक बेटे ने किया अपने ही पिता को अगवा करने का नाटक, पुलिस ने मुस्तैदी से कार्रवाई कर आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। जालंधर में एक नाबालिग की झूठी लूट की कहानी का हुआ खुलासा, पुलिस ने लाया सच सामने। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर में आर्मी की गाड़ी को पीछे से आकर एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिस कारण गाड़ी में सवार 5 जवान घायल हो गए। तो वहीं ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि उन्हें कंट्रोल रूम से जानकारी मिली थी कि लंबा पिंड चौक और सुच्ची पिंड चौक के रोड के बीच में आर्मी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और उन्हें पता चला कि आर्मी की गाड़ी पीएपी चौक से पठानकोट चौक की तरफ जा रही थी और उसके बीच में 5 आर्मी के जवान बैठे हुए थे, जिन्हें पीछे से 16 टायर ट्रक ने टक्कर मारी, जिस वजह से आर्मी की गाड़ी पलट गई और 5 जवान घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेज दिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अभी तक की जाँच में ट्रक वाले की गलती ही लग रही है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनी शर्मा की रिपोर्ट। एसपी सिंह सर, क्या बात है, कैसे पता लगा? ये हमारे को तो बाद में पता चला है कि ट्रक ने हमारी फौजी गाड़ी को मार दिया है और पीछे से मारा है और आगे इस साइड में निकल गई है। तो छोटे ये अपना कैंट से ही आए, लोकल ही है, यहाँ ड्यूटी के लिए थे। 5 जाने थे। अभी तक तो ठीक है, अभी पता नहीं, बता नहीं सकते जी कुछ भी अभी हम इसके लिए। तो आज सुबह 7 बजे सानू कंट्रोल तो मैसेज आया कि आर्मी की गड्डी का जड़ा वा लम्मा पिंड चौंक और ये सुची पिंड के दरम्यान दे करके एक्सीडेंट होया, और जिससे असी इमीजिएटली साडा ड्यूटी ऑफिसर भी पहुँच गया और सड़क सुरक्षा फोर्स भी पहुँच गई। मैं भी आप मौके पर आ गया और जो इतने देखा तो एक आर्मी की गड्डी जी पीएपी चौंक वालों पठानकोट चौंक वालू जा रही थी और उदे विच 5 जिहड़े आर्मी दे जवान सवार सीगे और उन्हों पिछों एक 16 टायरी ट्रक सीगा जो लोड आ जे फिलहाल पता नहीं लग सकिया इहदे विच की लद्दिया होया और इहने पिछों उन्हों हिट किया और उस पासे इहनूं धक्क के गड्डी नूं इधरले रोड दे उत्ते दोनों गड्डियां आ गईयां और जिहड़ी आर्मी की गड्डी आ इह पलटियां खा के इस पासे काफ़ी इहदे विच जिहड़े जवान सीगे उह इंजर्ड ने, वैसे उदां ठीक ने और सारे नूं जिहड़ा वा 5 जवानां नूं दाखल करवा दिता गया। नहीं, जानी नुकसान नहीं कोई होया, बंदे इंजर्ड हैगे ने, विच 2 ज़्यादा सीरीयस ने बट फिलहाल ठीक ने। गलती तो देखो जी शरेआमी ट्रक वाले दी है, जिन्हें पिछों गड्डी नूं हिट करके ते इन्नी जबरदस्त दूर तक खड़ीसदा लै आ गड्डी नूं। ट्रक भी पिछों आ रहा सीगा और ज़्यादा स्पीड दे ओवर स्पीड दे विच सीगा ते उन्हें उन्हों पिछों हिट कर दिता। नहीं, जानी नुकसान तो बचाव। फिरोजपुर के क्षेत्र तलवंडी भाई भी के थाना में निरंजन सिंह नामक व्यक्ति की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई कि उसका साला कृपाल सिंह को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अगवा कर लिया गया है, जिसके तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो वहीं एसपी डी रणधीर कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा एसएसपी सौम्या मिश्रा की अगुवाई में बनाई गई टीमों द्वारा तकनीकी और खुफिया जांच द्वारा इसकी जांच पड़ताल की गई, जिसमें पता चला कि कृपाल सिंह का बेटा शैलेंद्र सिंह उर्फ राजा ने ही अपने पिता को अगवा किया है, जिसे शैलेंद्र उर्फ राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान उसने माना कि उसने अपने कुछ साथियों सहित अपने पिता को अगवा करने का नाटक किया था ताकि उनका जमीनी विवाद गांव के सुखविंदर सिंह निवासी गांव हराज व्यक्ति के साथ चल रहा था, जिसके चलते उसे फंसाने के लिए राजा ने ये नाटक किया। तो वहीं एसपीडी रणधीर कुमार ने बताया कि इस नाटक में राजा के अलावा उसके साथियों की तलाश की जा रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। 12 जुलाई 112 दे हेल्पलाइन विच एक कॉल आई सी निरंजन सिंह वल्लों,
उन्हें आख्या कि किरपाल सिंह जो पिंड हराज विच सी उन्हों कुछ लोग अगवा करके ले गए हैं। नाल बाद जब पड़ताल हुई तो उन्हें एक वीडियो भी एक पेश की। जिमें कॉन्ग्रेजुअल इनफॉरमेसन आई वो बेसिस से फिरोजपुर पुलिस ने इमीडिएटली परचा दर्ज किया। परचा नंबर 39/24 मिति 12 जुलाई धारा लगी सी 140(3)(BNS) जड़ी पुरानी 364 IPC धारा होंगी है किडनैपिंग लई। आ जरा परचा सीगा मुताबिक बयान सुखमिंदर सिंह पुत्र वरियाम सिंह हराज पिंड के रहने वाले से उन्होंने खिलाफ दर्ज होया। एक बेहतरीन तफ्तीश का मुजाहरा पेश किया गया। DSP नवीन जी ते SHO रवि जी वालों चूंकि केस ये हीनियस क्राइम सी मानजोग SSP फिरोजपुर सोमा मिश्रा जी वालों जिहड़ी टीम सी DSP नवीन जी ते रवि जी दी सख्त हिदायत दी गई सी कि आज जो मुकदमा है साइंटिफिक तरीके नाल टेक्निकल डिटेल्स दे मदद नाल ते खुफिया सूत्रों का यूज करके छेती तो छेती सॉल्व किया जाए। और टीम नू एक बड़ी हैरत अंगेज जिहड़ी हैगी कहानी पता चली तफ्तीश के मुताबिक, जिसके मुताबिक जड़ा किरपाल जो किडनैप होया सी उसते पहले भी 364 ते होर हीनियस क्राइम के परचे पहले सीगे। जरा किरपाल सी उन्हों किडनैप मिली भुगत नाल करके उसका ही जड़ा बेटा सी पुत सी राजा उन्हें किता सी। जिहड़ी वजह रंजिश आ सी कि ये जड़ा हैगा सुखमिंदर दे नाल इन्हों का आपसी जमीन का विवाद सी निरंजन का। किरपाल जड़ा हैगा निरंजन का साला सी, इन्हों का आपसी विवाद सी जमीनी ते सुखमिंदर नू फसाउन वास्ते आ पूरा ड्रामा रचिया गया सी। DSP नवीन जी ते रवि जी टीम ने दिन रात मेहनत करके इधर हैगा केस ट्रेस किया ते जिहड़ा राजा है राजा नू गिरफ्तार किया ते उन्हें भी ये गल मन ली। हुण बाकी दोषियों नू फड़न वास्ते रेट जिहड़े हैगे वो जारी। धन्यवाद। जालंधर के सोडल रोड पर एक नाबालिग के साथ लूट की घटना सामने आई, जिसके संबंध में ACP दमनबीर सिंह ने बताया कि सोडल रोड के नज़दीक एक नाबालिग के साथ लूट की घटना हुई। तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वे शिकायतकर्ता ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उसका आईफोन और सोने की चेन छीन ली, जिस पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और घटना वाली जगह की जांच की व आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। इस दौरान पुलिस ने CCTV फुटेज की भी जांच की। तो वहीं जांच के दौरान पुलिस को इस लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वहीं आखिरकार पता चला कि नाबालिग ने ही इस लूट की कहानी को रचा था। पीड़ित का आईफोन और सोने की चेन नजदीकी क्षेत्र में मिली। तो वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे इस घटना को लेकर सतर्क रहें और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों पर यकीन ना करें। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जी कल मिति 19/7 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਸੋਡਲ ਰੋਡ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਵੈਂਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕਾ 14-15 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲ ਦੀ ਚੇਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਫੋਨ ਹੈਗਾ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। स्टार अस्पताल जालंधर की ओर से एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया के सहयोग से सुरक्षित लेप्रोस्कोपिक कोलेस्टिन
टॉमी पर लाइव सर्जरी सीएमई का सफलतापूर्वक आयोजन करवाया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित सर्जनों की उपस्थिति रही और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के आने वाले लेप्रोस्कोपिक सर्जनों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को शहर के अनुभवी सर्जनों से उन्नत सर्जिकल कौशल सीखने का अनूठा अवसर प्रदान किया। स्टार अस्पताल के निदेशक और उन्नत लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर जसमीत सिंह आलूवालिया ने इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर आलूवालिया भारत भर में विभिन्न विशेषताओं के सर्जनों के परीक्षण में सक्रिय रूप से शामिल हैं, तो वहीं सीएमई के दौरान डॉक्टर आलूवालिया ने कई लाइव सर्जरी की, जिससे प्रतिभागियों को लेप्रोस्कोपिक कोलेस्टिक्टोमी प्रक्रियाओं की व्यापक समझ मिली। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित सर्जनों द्वारा विशेषज्ञ वार्ता भी आयोजित की गई, जिनमें डॉक्टर सतेंद्रजीत सिंह बजाज, डॉक्टर दिशा सियाल और डॉक्टर सरबजीत सिंह शामिल थे। ये सीएमई कार्यक्रम स्टार अस्पताल की सर्जिकल शिक्षा में उत्कृष्टता की प्रतिबद्धता और क्षेत्र के सर्जनों के कौशल को बढ़ाने के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करता है। ईएसआई के साथ SCPA कोर्स के लिए सहयोग, ज्ञान साझा करने और पेशेवर विकास के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में सर्जनों को पंजाब मेडिकल काउंसिल द्वारा 4 CME क्रेडिट घंटे प्रदान किए गए और डॉक्टर रमन गुप्ता ने इसके लिए पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, अज एक सार हॉस्पिटल लाइव वर्कशॉप की गई, जिसे काफ़ी सारे दूरबीन होने वाले पित्ते के ऑपरेशन दिखाए गए, सिंपल सर्जरी से लैके डिफिकल्ट सर्जरी तक। बहुत सारे डॉक्टर्स जो अपकमिंग ने जो सीखना चाहते हैं ये सर्जरी, जो साढ़े हॉस्पिटल आए फ्रॉम J&K, पंजाब, हरियाणा, ऑल द सराउंडिंग रीजन्स। एंड इसके अलावा बहुत सारे लाइव लेक्चर्स है, डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ दूरबीन, किस तरह पित्ते के ऑपरेशन करते हैं और उसकी की प्रॉब्लम आ सकती हैं, किस तरह पेशेंट की रिकवरी है, की लेटेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल है इस कंडीशन, वो सब डिस्कस किए गए। वी होप कि इदा के प्रोग्राम्स नाल नवे नवे डॉक्टर्स जिहड़ा इस लैप्रोस्कोपी नूं अडॉप्ट करते हैं वो सीख पाएंगे, आने वाले टाइम च अपने प्रोसीजर्स होर अच्छे तरीके नाल कर पाएंगे। असीं रेगूलरली सार हॉस्पिटल से प्रोग्राम्स करते हैं, साढ़े कोल बड़ा अच्छा सिस्टम है, उपर एक ऑडिटोरियम, नीचे बड़े बड़े सारे OTs ने और साढ़े लिए बड़ा ईजी हो जाता है। प्लस बहुत सारे आस पास जो डॉक्टर्स ने जिन्हें कोलैबोरेट किया, जिस तरह डॉक्टर सतेंद्र बजाज फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल, डॉक्टर दिशा फ्रॉम SCL, डॉक्टर सरबजीत फ्रॉम PIMS, ये सारे भी साढ़े नाल जुड़े, इन्होंने भी प्रोग्राम हेल्प की और सारे की हेल्प नाल बड़ा अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो गया। असं अगे भी फ्यूचर भी अलग अलग टॉपिक से ये सब लैके आते रहेंगे। प्रीवियसली भी ब्रियाट्रिक सर्जरी, लेजर सर्जरी से इन्हें इवेंट हुए और एवरी मंथ वी आर डूइंग वन और द अदर इवेंट फॉर द बेनीफिट ऑफ द डॉक्टर्स एज वेल एज ऑफ द जनरल पब्लिक। थैंक यू। सत श्री अकाल जी, मैं डॉक्टर सतेंद्रजीत सिंह बजाज, मैं सीनियर सर्जन, सीनियर कंसल्टेंट, DNB एकेडमिक्स, डीन फॉर सिविल हॉस्पिटल जलंधर। आई एम ए फैकल्टी हेयर इस कॉन्फ्रेंस विच, ए कॉन्फ्रेंस डॉक्टर जसमीत सिंह आलूवालिया ते उन्होंने स्टार हॉस्पिटल वालों ऑर्गेनाइज की गई है। एक कॉन्फ्रेंस कम वर्कशॉप है जिद लाइव सर्जरीज भी दिखाई जा रही हैं ते नाल नाल टीचिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। एक कॉन्टीन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन का प्रोग्राम है, पार्ट ऑफ प्रोग्राम है। इतने अप्रोक्सीमेटली नवे यंग सर्जन 40 सर्जन प्रेजेंट है, जिन्होंने अज यह सीख रहे हैं कि जो दूरबीन नाल पित्ता कटी है तो किदा सेफली आप दूरबीन नाल रिमूव कर सकते हैं पित्ता, किदा आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं, तो किदा पेशेंट की सेफ्टी वास्ते आप अगे होर प्रोसीड कर सकते हैं। नवी नवी टेक्निक्स इतने अज सिखाई जा रही हैं, जिस नाल ताकि जो आने वाले सर्जन, आने वाली पीढ़ी है सर्जन की, वो होर वधिया सर्जन सर्जरी करन ते लोक सेवा विच अपना नाम कमान। थैंक यू। देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारी श्री BK दत्त को उनकी 60वें जन्मदिन के अवसर पर फिरोजपुर शहर के विधायक रणवीर सिंह भुल्लर, श्री BK दत्त की बेटी भारती दत्त बागची और शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के परिवार के सदस्यों ने हुसैनीवाला स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए, तो वहीं शहीदों को श्रद्धा के फूल भेंट करने के अवसर पर विधायक फिरोजपुर शहरी रणबीर सिंह भुल्लर ने कहा कि देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाने के लिए कई देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम आज़ादी की गर्मी का आनंद ले रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमें अपने शहीदों के बताए रास्ते पर चलना चाहिए,
उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि आज वे उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में बीके दत्त के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने शहीदों के परिजनों से अपील की कि वे अब हर वर्ष यहाँ आएँ और शहीदों को श्रद्धा के फूल चढ़ाएं। इस अवसर पर श्री बीके दत्त की बेटी डॉक्टर भारती दत्त बागची ने कहा कि देश के लिए उनके पिता का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उन्हें आज भी देशवासी याद करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता श्री बीके दत्त की इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार हुसैनीवाला में किया जाए और एक समाधि बनाई जाए, जिसे सरकार ने पूरा किया है और उनकी समाधि भी हुसैनीवाला में शहीदी स्मारक पर बनाई गई है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इस सच्चे सपूत का पूरा देश सदैव ऋणी रहेगा। श्री बीके दत्त की पुण्यतिथि पर श्री इंद्र चावला द्वारा 125 पौधे वितरित किए गए जो कि हुसैनीवाला में लगाए जाएंगे। इस अवसर पर श्री चरणजीत सिंह भास्कर दत्त बागची, नीलांजन दत्त बागची, दिवोलीना सत्यशील, अनुज थापर, क्रांति कुमार, प्रतपाल सिंह, तेजिंदर सिंह, अरुण कुमार, विशाल गुप्ता आदि मौजूद रहे। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। दे कोल ही मेरे अंतम सारियां जिहड़ियां क्रियावां संपूर्ण कीतियां जाण। बड़ी लासानी इन्हां दी देण आ देश की आज़ादी नूं, और मैं समझदा फिरोजपुर कर्मां वाली धरती है जिहड़ी शहीदां दी अंतम मिट्टी नाल सुशोभित आ, और हमेशा ही जदों भी कोई इस जगह ते नमन करना आता है तां सब तो पहला बगटेश्वर दत्त जी नूं पिछले मैं जदों तो मैं होश संभाली आ तां सब तो पहला जिहड़े फुल अर्पण जां माला अर्पण हुंदी आ बगटेश्वर दत्त जी नूं हुंदी है। सो इन्हां नूं हर रोज़ हर वेले याद किया जाता, और प्रशासन वल्लों भी ये गाइड किया जाता कि सब तो पहला बगटेश्वर दत्त जी की समाध ते नमन करो और उस तो बाद शहीद आजम होना नमन किया जाता। सो बगटेश्वर दत्त जी को हमेशा ही याद किया गया, और अज का जो कार्यक्रम अज उनका परिवार आया, और जो भी पंजाब सरकार ने सरदार भगवंत सिंह मान होना की अगवाई दे विच पहली वारी आ कि शहीदां दी जिहड़ी फोटो आ उह सरकार दे हरेक दफ्तर दे विच आ शहीद आजम भगत सिंह होना दी। सो शहीद आजम भगत सिंह होना दे जिन्ने भी साथी आ उन्हां नूं हमेशा ही इस सरकार वल्लों नमन किया गया। मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मेरी आंखें भर आई हैं इसलिए यही मेरी क्रांति वीर पिता बटुकेश्वर दत्त जी की अंतिम संस्कार इसी सतलज के किनारे हुई थी। आज के दिन पहली बार उनकी पुण्यतिथि यहाँ मनाई जा रही है, और हमारे साथ आप सभी फिरोजपुर से और दूर दूर से भी लोग आए हैं, उनका मैं उनके हम आभारी हैं। उनके आने से ये सुंदर दृश्य हमें देखने को मिल रहा है, और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि हमारे जो नए पीढ़ी के लोग हैं इस तीर्थ भूमि को अवश्य प्रणाम करें, नमन करें और यहाँ से आशीर्वाद लेकर जाएं, वो जीवन में आगे बढ़ें, उनका जीवन सुधर जाए, उनका व्यक्तित्व का निर्माण हो, और भगत सिंह क्रांतिवीर के और भी क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त एवं अन्य क्रांतिकारियों के बताए हुए मार्गदर्शन को फॉलो करें ताकि हमें हम अपना भारत देश को और आगे बढ़ाने का मौका मिले। जब हम अनुशासित होंगे जब तभी हम कोई काम ठीक ढंग से कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य भारत इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम अनामिका जियान सिम सिम 1 कि यहां आकर आशीर्वाद लें और सभी जाएं। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम अनामिका जियान सिम सिम 1 ये हमारी अंतिम इच्छा है। विदेशों में बासमती और अन्य प्रकार के चावलों के सैंपल फेल होने से व्यापारियों को हो रहे नुकसान को देखते हुए किसानों को धान की फसल और अन्य फसलों की तैयारी संबंधी भरपूर जानकारी देने के लिए सप्पल टेक कंपनी, शेल्डर एसोसिएशन और आरती एसोसिएशन द्वारा किसान मेले का आयोजन किया गया। ये आयोजन ऑलिव गार्डन चटियाला में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि चीफ कृषि अधिकारी गुरदयाल सिंह बल, पूर्व चेयरमैन महेंद्र सिंह छज्जलवड्डी, आरती एसोसिएशन के प्रधान सुरजीत सिंह कंग, मनजिंदर सिंह सरजा, महासचिव सतेंद्र सिंह,
कोहलूवाली और अन्य कृषि अधिकारी शामिल थे। इस मौके पर चंडियाला गुरु क्षेत्र और विभिन्न गांवों से आए किसानों को संबोधित करते हुए कृषि अधिकारियों ने कहा कि हमारे किसान भाई विभिन्न प्रकार की अधिक पैदावार लेने के लिए अधिकतर रासायनिक खादों और दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। वहीं उन्होंने कहा कि हमें अपने निर्वाचन क्षेत्र के कृषि अधिकारियों की सलाह से रासायनिक खादों का उपयोग करना चाहिए। इस दौरान आई हुई मुख्य अतिथि कृषि विशेषज्ञ डॉक्टरों ने कहा कि इस मेले में किसानों को धान की फसल पर कितनी दवा का छिड़काव करना है और कब करना है, इसकी जानकारी भी दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे पंजाब से चावल विदेश भेजा जाता है, इसलिए अच्छे ढंग से फसलों को तैयार किया जाना चाहिए, जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो सके। तो वहीं इस अवसर पर मंच संचालन समाज सेवी कुलविंदर सिंह विक्की ने बखूबी निभाया और नेतृत्व सप्पलटे कंपनी के प्रबंधन प्रमुख अनिल वीव ने किया। इस अवसर पर आरती संत सिंह एंड संत संदीप सिंह बाबा ने किसानों और कंपनी की टीम का धन्यवाद भी किया। जंडियारापुर से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। मैं सचिव सिंह कंग प्रधान आरती एसोसिएशन प्रधान राय समिंदर एसोसिएशन जंडियाला गुरु जिहड़ा अज दा इत्थे साडा किसान मेला समझ लो लाया गया। इह च किसानां नूं इहो दस्सिया गया कि जो बासमती दी फसल एक्सपोर्ट हुंदी है जां होर वी जिहड़ियां फसलां कोई हैगियां साडियां उहनां नूं जिहड़ियां कोई कीड़े मार दवाइयां पेस्टीसाइड दवाइयां पाईआं जांदियां वा उह उहो ही दवाइयां पाईआं जाण के जिहड़ियां साडे मापदंड दे विच आउंदियां ते बाकी जिहड़ियां दवाइयां आपां एवें इक दूजे वल वेख के पाई जांदे आ उह दवाइयां ना पाईआं जाण ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪਲਟੈਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਰੀਦਦੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜੀਡੂਅਲ ਆ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜੀਡਿਊਲ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਤੋਂ 12 ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਸਮਤੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਸਮਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨਿਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰ ਟੈਗ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਪਰੇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰ ਟੈਗ ਨੇ ਅਨਿਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ
ਜਿਹਨਾਂ 50-100 ਕਿੱਲਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਪਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਅਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਟੈਕ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਵਾਈ ਐਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੰਡਿਆਲੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਦੂਜੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 100-200 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰ ਟੈਕ ਖਰੀਦ ਕਰੂਗਾ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਮਿਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਟੈਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਊਸ਼ਾ ਮਾਤਾ ਧਾਮ ਮੁਹੱਲਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਹਰ ਵਰਸ਼ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰਸ਼ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਕਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਮ ਕੀ ਦੇਖਰੇਖ ਮੇਂ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਸੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀਓ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਸੰਗਤੋਂ ਕੋ ਮੰਤਰ ਮੁਕਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਵਹੀ ਮੁਖਯ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਮ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਹਰ ਵਰਸ਼ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਾੜ ਮਾਹ ਕੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤਿਥੀ ਕੋ ਮਨਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕੋ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੇ ਕਾ ਇੱਕ ਬੜਾ त्यौहार है। वहीं उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा मुख्य तौर पर हमारे गुरुओं के प्रति आभार और सम्मान प्रकट करने का दिन है। गुरु एक रस्मी आध्यात्मिक गुरु या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो ज्ञान और बुद्धि प्रदान करता है। तो वहीं धाम में आई हुई संगत और भजन मंडलियों को सेवादार राम और ऋतु शर्मा की ओर से सम्मानित भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत के साथ रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जी मिलना है भगवान से ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੋੜ 'ਤੇ, ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ 'ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਾਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ।
सब अपने माता पिता से आज्ञाकारी बनो, सेवा करो ते अपने गुरुआं दी सेवा करो। जय मां धन्यवाद। वो साचे दरबार की जय। श्री उषा माता मंदिर मोहल्ला गोविंदगढ़ में आज 21 जुलाई को बड़े हर्षोल्लास से बड़ी सारी संगत के साथ मिलजुल कर गुरु महाराज जी की गुरु पूजा मनाई जा रही है, व्यास पूजा, जिसमें सारी संगतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और गुरु चरण कमल में अपना सिर झुकाकर सबसे ही अपने मुंह मांगी, मुराद मांगी और महाराज जी ने सबको शुभ शुभ आशीर्वाद दिया। हम सब यही चाहते हैं कि जो भी इस कलयुग में गुरु ही आधार हैं, गुरु ही सब कुछ हैं, आप भी गुरु की शरण लें और गुरु की शरण में जाकर नाम को जप कर अपने जीवन को सफल बनाए। हम सब परिवार, जय माँ परिवार, हम उषा माता मंदिर की तरफ से सारे समूह सारे जंदल वासियों को शुभ शुभ आशीष देते हैं, महाराज की तरफ से शुभ आशीर्वाद, सबको ही गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अमृतसर का उदासीन आश्रम अखाड़ा संगलवाला के गद्दी नशीन महंत दिव्यांबर मुनि जी के मार्गदर्शन में गुरु पूर्णिमा बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाएगी। इस अवसर पर उदासीन आश्रम अखाड़ा संगलवाला में महंत दिव्यांबर मुनि के नेतृत्व में गुरु पूर्णिमा महोत्सव एवं महंत निर्वाण प्रीतम दास का जन्म दिवस बड़ी ही श्रद्धा से मनाया गया। इस अवसर पर महंत दिव्यांबर मुनि जी ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान बताया कि सबसे पहले प्राचीन जंजीरों को गंगा जल से स्नान करवाया गया और फिर पूजा अर्चना की गई व विश्व शांति की अरदास भी की गई। वहीं उन्होंने बताया कि इस उदासीन आश्रम अखाड़े के महंत निर्वाण प्रीतम दास अपनी कमर के आसपास इन ऐतिहासिक जंजीरों को बांधते थे, इसलिए इसका नाम अखाड़ा संगलवाला रखा गया। उन्होंने कहा कि इस प्राचीन संगल को हर वर्ष गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही प्रकाश किया जाता है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। निर्वाण देव की जय। आज उदासीन आश्रम अखाड़ा संगलवाला में श्री गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा का महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रातःकाल की बेरा में सुबह 8 बजे तो सारे समाधियां की पूजन किए गए, भगवान श्री चंद जी महाराज का पूजन अरदास किया गया, निर्वाण प्रीतम दास जी महाराज का पूजन अरदास किया गया और अखाड़े में बहुत ही संगत आ करके सभी समाधियों का पूजन किया, अपने गुरुजनों का पूजन किया। कहते हैं गुनाम अंधकार वो नाम प्रकाश, अंधकार से यदि प्रकाश की ओर रास्ता बताने वाला कोई होता वो गुरु ही होता है, इसलिए गुरुदाता गुरु ब्रह्म है, गुरु बिन और न ठौर, श्री चंद्र यह संसार में भटकत है जिव भौर। गुरु पूजा का महोत्सव गुरु पर्व जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको अपनाना चाहिए और अपने जीवन को धन करना चाहिए। आज पावन पवित्र स्थान अखाड़ा संगलवाला बीच महा प्रसादी लंगर भंडारे का आयोजन किया गया और गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। जय श्री चंद्र। ठाकुर द्वारा गद्दी श्री बाबा लाल दयाल कर्मो ड्योड़ी अमृतसर में महंत अनंत दास जी महाराज के सानिध्य में सुबह बाबा लाल दयाल जी की पूजा अर्चना की गई। वही मंदिर परिसर में पूरा दिन भक्तों की भीड़ रही और भक्तों ने गुरु महाराज जी से आशीर्वाद दिया। इस दौरान कई संकीर्तन मंडलियों ने बाबा जी का गुणगान किया। सारा दिन मंदिर परिसर में भंडारा भी लगाया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। प्राचीन परंपरा सनातन धर्म की जो चली आ रही है उसमें गुरु पूजा का बड़ा महत्व होता है। व्यास पूजा है आज के दिन गद्दी बाबा लाल दयाल जी चौक कर्मजोड़ी, ये बाबा लाल जी की 22 गद्दियों में गद्दी है, 500 वर्ष पुरानी गद्दी है। यहाँ पर सनातन धर्म के हर त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिस तरह रामनवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, व्यास पूजा है, अन्य कई उत्सव हैं, सब इस गद्दी बाबा लाल जी में मनाए जाते हैं। आज सवेरे 7 बजे से ही व्यास पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है जो देर रात तक चलता रहेगा। जितने भी बाबा लाल जी के अनुयायी हैं, सेवक हैं, सबको यही कहना चाहूँगा कि बाबा लाल जी के बताए हुए मार्ग पर चलें, धर्म का प्रचार करें। उदासीन आश्रम अखाड़ा निर्वाण सर लक्कड़ मंडी अमृतसर में महंत सुखदेवानंद जी महाराज के सानिध्य में भक्तों ने पूजा की और पूर्व महंतों की समाधि पर नतमस्तक हुए। इस अवसर पर संकीर्तन भी किया गया। इस मौके पर सतीश शर्मा, ललित कुमार, चेतन अग्रवाल, महंत टाइगर मुनि, पंडित मोहन, पंडित गौतम, कमल पोदार, मंजीत, अनीता आदि मौजूद रही। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट।
अमृतसर के खजाना गेट में गुफा वाला मंदिर में महंत मनोज जी महाराज जी की अगुवाई में गुरु पूर्णिमा बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धाभाव से मनाएगी। इस मौके पर मंदिर के महंत मनोज जी महाराज ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों द्वारा अपने गुरुओं की पूजा की गई और मंदिर में सरबत के भले की अरदास भी की गई। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज अत्यंत पावन पर्व गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व, अपने अपने गुरु अपने अपने गुरुदेव की पूजा उपासना का है। तो सारा वर्ष व्यक्ति अपने गुरु की शरणागत नहीं हो पाता, वो व्यक्ति अगर वर्ष में एक बार भी गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने गुरु के सानिध्य में बैठता है, गुरु की पूजा करता है और गुरु से ज्ञानोपदेश ग्रहण करता है तो अवश्य में उस व्यक्ति का जीवन सफल होता है। और इसी तरह आज के पावन पर्व की अत्यंतम सभी देशवासियों के मंगलमय जो है उपासना है, उपासना का पर्व है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण। चातुर्मास के उपलक्ष्य में भगवान महावीर आराधना केंद्र 343 न्यू जवाहर नगर जालंधर में चल रही कथा के अंतर्गत श्री आत्म वैभव जैन दर्शन शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का विषय था जैन दर्शन एवं तत्व ज्ञान। तो वहीं इस शिविर का उद्घाटन धर्मानुरागी डॉक्टर सुमित जैन द्वारा किया गया। इस अवसर पर परम पूजनीय शासन प्रभाविका सरल प्रकृति स्वामी जसवंत श्री जी महाराज साहिब के शिष्य शासन रत्नारत्न श्री प्रगुना श्री जी एवं शिविर संचालिका मठाधीश श्री प्रिय धर्मा साध्वी प्रगुना जी ने जैन धर्म के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार पूर्वक व्याख्यान दिया। वही शिविर में जैन समाज के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और जैन धर्म की गहरी समझ प्राप्त की। साध्वी प्रगुना जी ने अपनी व्याख्यान में बताया कि जैन धर्म अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने बताया कि जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग किस प्रकार प्रशस्त होता है। साध्वी प्रगुना ने दूसरे धर्मों और जैन धर्म के बीच के अंतर पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जैन धर्म में अहिंसा का महत्व सबसे अधिक है और ये सिर्फ शारीरिक हिंसा से नहीं बल्कि मानसिक और वाचिक हिंसा से भी बचने की शिक्षा देता है। उन्होंने बताया कि जैन धर्म का प्रत्येक अनुयायी अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होता है और अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप ही उसे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं ये शिविर जैन समाज के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कार्यक्रम साबित हुआ जिसने धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ावा दिया। इस शिविर ने जैन समाज के सदस्यों को अपने धर्म के प्रति और अधिक जागरूक और समर्पित होने की प्रेरणा भी दी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनी शर्मा की रिपोर्ट। इतना काम कर लिया, उनको लगता है हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, अभी फिर से करोगे, आपको बस हमारा कर्तव्य नहीं, अब गहराई में चलो, रोज रोज सुनोगे तो बढ़ेगा कि मैं इतने सालों के बाद ज्यादा तुम्हारी भी गाड़ी में सफर कर रहा हूँ, पूछ रहा है कि आप कौन, हमें मैं जानने से कहते हैं हमें मिलना चाहूँगा सर। कल भी मैंने पहले बताया एक व्यक्ति दौड़ता जा रहा था बड़ी तेजी से दौड़ रहा है, सामने से आप मिल गए तो उसको पूछते भैया इतना दौड़ क्यों रहा है, इतनी तेजी से चल रहा है, कहाँ जा रहा है। वो कहते मुझको नहीं पता था उसको क्या था, बोलो बोलो जब मैं पूछूं उसका उत्तर हम क्या कहेंगे, सुन पागल मैं पूछूं इतनी तेजी से चलता जा रहा है दौड़ता जा रहा है इसको ये भी नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, है कि ना बुद्धू, हम तो कोई पूछ रहा है हम कौन हो, हम कहते हैं जान किसे कहते हैं, कहना भी हम क्या बात है, हम क्या मानने अपने आप को मान लो, हम भी उसे कहते कि नहीं एक जैन का गौरव क्यों है, अब धीरे 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 आपके पास समझने को मिलेगा। ये तो हमारे बलाशाली जिनको 9 वर्ष की एक अल्प आयु के अंदर ही उनको महान बनने की इच्छा है, और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से।
जालंधर में आर्मी की गाड़ी को एक ट्रक ने मारी टक्कर, गाड़ी में सवार 5 आर्मी के जवान हुए घायल। फिरोजपुर में एक बेटे ने किया अपने ही पिता को अगवा करने का नाटक, पुलिस ने मुस्तैदी से कार्रवाई कर आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। जालंधर में एक नाबालिग की झूठी लूट की कहानी का हुआ खुलासा, पुलिस ने लाया सच सामने। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।